हेलो दोस्तों, ये है अमर जवान ज्योति जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये स्थित है। अमर जवान ज्योति सैनिक स्थल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसमें शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई है। चूँकि जो कैप्टन जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे, मेरे ख्याल से वो हिमाचल के ही थे, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे परमवीर थे उस समय के, उनके लिए ट्रिब्यूट देने के लिए यह वार मेमोरियल नामक जगह की स्थापना की है। यहाँ पर अमर जवान ज्योति भी बनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत सा कैंपस है वार मेमोरियल का। एक्चुअली इस जगह को वार मेमोरियल कहते हैं, तो बहुत अच्छा बना हुआ है ये। और आप देख पा रहे हैं ये आगे से काफ़ी अच्छी सजावट है। 20 रुपये यहाँ पे एंट्रेंस गेट का टैक्स कटता है, जिन भी इसके मेंटेनेंस, जो कि मेरे ख्याल से शायद इसके मेंटेनेंस में खर्चा होता होगा उससे, तो अच्छी जगह है ये, ज़रूर आए। हेलो फ्रेंड्स, ये है धर्मशाला में स्थित एक चाय का बागान, जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए कि ये चाय की बागान की किस तरीके से यहाँ पर चाय की खेती की जाती है। ये पत्ते आप देख रहे होंगे, इन पत्तों को सुखाया जाता है, उसके बाद इनको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है रोल करने के लिए, और रोल करने के बाद हीटिंग एक प्रॉपर टेम्परेचर पर रोल करने के बाद तब ये चाय की पत्तियाँ मार्केट में आती हैं। तो ये बहुत दूर तक फैले हैं ये चाय के बागान, और हालांकि सामने प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखी है, तो किसी की पर्सनली खेती की गई है, ये सरकार नहीं करा रही यहाँ पे, तो अच्छा है, यहाँ पे देखने लायक है। ये है चर्च जो बहुत फेमस है, क्राइस्ट चर्च धर्मशाला का, 1842 में बना था ये, अंग्रेज़ों ने बनवाया है इसको, और बहुत प्यारा सा कैंपस है यहाँ का। और धर्मशाला में वन ऑफ द विजिटिंग स्पॉट है ये, तो कभी भी आइए तो ज़रूर यहाँ पर पधारें। चर्च फोटोग्राफी के लिए अच्छा कैंपस है, अच्छे अच्छे फ़ोटोज और स्कैनिक व्यू यहाँ से हैं पहाड़ों के भी। दिस इज नदी व्यू पॉइंट ऑफ धर्मशाला, धर्मशाला में स्थित है ये नदी व्यू पॉइंट। यहाँ पर ये जो स्नोफॉल जो जमी हुई है, जो बर्फ़ जमी हुई है, ये आती है झरने के रूप में। हालांकि अभी ये जो आइस है, अभी ये बहुत जमी हुई है, तो ये झरना बह नहीं रहा है, वरना
यहाँ से आपको ये कलकल झरने आपको इसमें बहते हुए दिखाई देते, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और ठीक ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ऊपर, जो बर्फ़ से ढकी हुई जो चोटियाँ देख रहे हैं, जस्ट इसके बियॉन्ड, इसके आगे इसके जो जस्ट जो अपोजिट साइड है उधर तिब्बत है। और अभी हम जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर ITBP के जवान भी तैनात हैं, तो बॉर्डर पुलिस लगी हुई है यहाँ पे। और ये चूँकि आप जानते हैं कि धर्मशाला जो है इंडिया और तिब्बत के बहुत सारे बॉर्डर एरिया को कवर करता है, तो जस्ट इसके साथ अपोजिट में चाइना स्टार्ट हो जाता है और तिब्बत एरिया भी इसी से रिलेटेड कवर्ड है, इन्हीं के आसपास, इन ऊँची चोटियों के आसपास तिब्बत एरिया स्टार्ट हो जाता है उधर। दिस इज भागसुनाग टेम्पल इन धर्मशाला, अनदर ब्यूटीफुल प्लेस ऑन हाइट इन धर्मशाला। ये है इसका मुख्य मंदिर जो पहाड़ों की हाइट पर बसा हुआ है। काफ़ी बेसिकली ये जो है नाग देवता का मंदिर है यहाँ पे। हाय फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर खड़े हैं भागसु नाग वाटरफॉल पर, जो यहाँ धर्मशाला में स्थित है और बहुत प्यारा है। आप देख पा रहे होंगे ये वाटरफॉल कितना ऊंचाई से आता है, और यहीं से एक बहुत लंबी 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैक करने भी आते हैं, 6 किलोमीटर तक ऊंचाई पर लोग जाते हैं। तो तमाम तरह से एडवेंचरस प्लेस है और रियली सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हियर। देख रहे हैं आप, कुछ लोग जा रहे हैं ये ट्रैकिंग करने पहाड़ों पर, तो बहुत अच्छी ट्रैकिंग होती है यहाँ पर एक्सपर्ट्स के प्रेजेंस में। तो जब भी धर्मशाला आइए, यहाँ पर भागसु वाटरफॉल टेम्पल ये सब जरूर घूमें। हेलो गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू एट चौक धर्मशाला। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है और अभी शाम के लगभग 9:30 बज रहे हैं रात के, और बहुत चहल पहल रहती है यहाँ पर, और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं खाने पीने के लिए। पब लाइफ, नाइट लाइफ और डाइन लाइफ, तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा है यहाँ पर इन सब चीज़ों। बिजली